जयपुर नगर निगम ग्रेटर द्वारा शुक्रवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने इस अवसर पर स्वच्छ योद्धाओं और वृक्षों को गोमय यानी गौ माता के गोबर से बनी हुई राखी बांधी। महापौर ने पहली राखी नगर निगम मुख्यालय पर लगे अशोक के वृक्ष को बांधी, फिर एक पेड़ माँ के नाम पेड़ लगाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की भी शपथ ली। इस अवसर पर नगर निगम ग्रेटर की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले स्वच्छता योद्धाओं को महापौर ने राखी बांधी। महापौर ने राखी बांधने के बदले सभी से तीन वचन लिए, जिसमें पहला वचन शहर को स्वच्छ रखने का, दूसरा वचन खुले में कचरा न डालने और तीसरा वचन गौ संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण का लिया। इस दौरान महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने बताया कि त्यौहार हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस रक्षाबंधन के पर्व पर हर जयपुरवासी को शहर को स्वच्छ रखने का संकल्प लेना होगा, साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करने और प्रकृति की रक्षा के साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने का बंद मुट्ठी में संकल्प लेना होगा। इस अवसर पर समिति चेयरमैन एवं पार्षदगण, अधिकारी और कर्मचारी सहित स्वच्छ योद्धा उपस्थित रहे। आपको बता दें कि गोमय राखी क्या होती है। गोमय राखी गोमय मिश्रित कागज गोबर बीज से निर्मित राखी है, जिसे खोलने के बाद यदि जमीन में डाला जाता है तो इससे सुंदर पौधे धरती पर उगाएंगे। इस प्रकार के नवाचार से गौ संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा। ग्रेटर के मुख्यालयों पर मैं मेरे स्वच्छता योद्धाओं को, जो लगातार हमेशा शहर की स्वच्छता रखने में कार्य करते रहते हैं, उनको राखी बांधकर आज शुरुआत की है। इसके साथ में जब स्वच्छता योद्धाओं की राखी बांधते हैं तो हमारे वृक्षों को, जो भाईवत हमारा ध्यान रखते हैं, उन पेड़ों को भी राखी बांधी है, ताकि हम सभी जयपुरवासी संकल्प लें, हमारे पौधे ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधे लगाकर हम उसका उनको उनकी रक्षा करेंगे, संवर्धित करेंगे। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और उनकी रक्षा का, बहन की तरह उनकी रक्षा का हम संकल्प लें। और वृक्ष हम पर्यावरण हमारा ध्यान रखता है। और साथ में आज खास बात है, हमारी राखी जो है वो गोमय राखी है, और गोमय राखी है जिसको बायोडिग्रेडेबल राखी, आराम से आप जब भी रक्षाबंधन के बाद में अपनी राखी को खोलें तो वो राखी आप अपने पौधे के अंदर, आप अपने गमले के अंदर डाल देंगे तो उसमें एक पेड़ और उग जाएगा, और एक पौधा भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक, वो पौधा हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हमें हमारी प्रकृति की रक्षा करनी है, हमें अपने जयपुर शहर की रक्षा करनी है, स्वच्छता की रक्षा करनी है। और आज स्वच्छता योद्धाओं को कहा कि राखी, खाली हाथ राखी नहीं बंधवाते हैं, राखी के बदले में मुझे एक संकल्प चाहिए, बंद मुट्ठी वाला संकल्प, कि आप मुट्ठी के अंदर ये संकल्प भरें कि शहर को स्वच्छ बनाने में लगातार हम अपना योगदान देंगे, जयपुर शहर की जनता को हम ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रेरित करेंगे, साथ में मिलाकर हम शहर को स्वच्छता के अंदर उच्च पायदान पर हम लेकर आएँ। इसके साथ में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करें और साथ ही हमारे पर्यावरण का भी ध्यान रखें। आपने बिल्कुल सही कहा कि नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने तीन तीन विश्व कीर्तिमान हाल ही में बनाए हैं, और वो विश्व कीर्तिमान बनाना, वो उसमें एक अच्छा, जिससे सबसे बड़ा घेवर बनाना तो वो हमारे हाथ में था, हमने बना लिया। इसी के साथ में हमने योगा के अंदर, क्योंकि जब स्वच्छ जयपुर की बात होती है स्वस्थ जयपुर की भी बात होनी चाहिए, हमने योग में विश्व कीर्तिमान बनाया। इसके साथ में हमने जहां रामलला आए तो हमने राम मंदिर भी बनाकर हमने एक कीर्तिमान बनाया। अब ये इस बार जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ने का जो है वो एक संकल्प चाहिए कि स्वच्छता को हम स्वच्छता को अंगीकार करके जयपुर शहर को स्वच्छ बनाकर एक रिकॉर्ड कायम करेंगे, जिसमें हमारी ऐतिहासिक धरोहर, हमारी पिंक सिटी, हमारी गुलाबी नगरी और ज़्यादा सुंदर लगे, वहाँ पर्यटक आए, वहाँ इसको मिनी काशी के रूप में, मिनी वृंदावन के रूप में हमारा शहर जाना जाता है, धार्मिक नगरी है, इसकी सुंदरता हमेशा ऐसी ही बनी रहे। ये विश्व रिकॉर्ड भी आज सारे भाइयों ने मुझे संकल्प दिया है, अगली बार जब हमारी रैंक आगे बढ़ेगी तो इसका श्रेय आप नगर निगम को या महापौर को मत दीजिएगा, आप इसका श्रेय दीजिएगा हमारे स्वच्छता योद्धाओं का, मेरे भाई स्वच्छता योद्धाओं का, मेरे जयपुर शहर की जनताओं का, उनका, जनता के प्रयास से हम वो रिकॉर्ड बनाएंगे और निश्चित रूप से हम इस बार आगे बढ़ेंगे स्वच्छता में।